बिहार के बांका जिले में इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है, जहां खबर पर संज्ञान लेते हुए डीएम अंशुल कुमार ने राजस्व सह अंचल कार्यालय धोरैया के राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए आरोप पत्र गठित करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इंडिया न्यूज वायरल की टीम ने देखिए सुशासन बाबू कैसे आपके राज्य में दलाल चला रहे अंचल शीर्षक के नाम से धोरैया अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, जिसके बाद मामले की जांच अंचल अधिकारी धोरैया से कराई गई। अंचल अधिकारी धोरैया द्वारा पत्रांक 203 दिनांक 13/3/2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इंडिया न्यूज वायरल वीडियो बिप्लव कुमार सिंह राजस्व कर्मचारी के हल्का कार्यालय से संबंधित है। जांच के उपरांत अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई। क्या कहा डीसी ने अपने आदेश में? अपने आदेश में डीसी ने कहा है कि वायरल वीडियो एवं जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अंचल कर्मचारी श्री सिंह द्वारा अपने हल्का कार्यालय में दलाल के माध्यम से सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। श्री सिंह का कार्यकलाप सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के विपरीत भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का मामला प्रतीत होता है। उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री बिप्लव कुमार सिंह राजस्व कर्मचारी धोरैया को प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का दोषी मानते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं नियमावली के नियम 10 के तहत इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अंचल कार्यालय बेलहर निर्धारित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी बांका एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता बांका वायरल वीडियो की सत्यता की जांचों उपरांत सही पाए जाने पर संबंधित उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र गठित कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अंचल कर्मचारी पर कार्यवाही होते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के माथे पर शिकन स्पष्ट नजर आने लगी है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड का उद्देश्य किसी कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं, बल्कि सिस्टम में लगे घुन को बाहर निकालना है। सुशासन बाबू के बिहार के माथे पर लगे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रूप में कलंक को सरकार को दिखाना है। वैसे हमारी खबर पर डीएम ने कार्रवाई जरूर की, मगर केवल एक छोटी मछली ही जिम्मेदार क्यों? आखिर उन्हें लूटने का अधिकार किसने दिया? किस खास दिन में तो लूट की यह तस्वीर सामने नहीं आई? जिम्मेदार मौन क्यों थे? क्या इसके लिए अंचलाधिकारी जिम्मेदार नहीं है? यूं कहे तो उपायुक्त की चिट्ठी पर अंचलाधिकारी ने कार्रवाई की अनुशंसा तो कर दी, मगर सिस्टम की घुन को यदि जड़ से मिटाना है तो ऊपर से एक एक कर घुन को बाहर निकालने की जरूरत है, तब बिहार सुधरेगा। वैसे यह एक धोरैया प्रखंड की बात नहीं, बल्कि समूचे बिहार के सभी अंचलों में कमोवेश यही स्थिति देखी जाती है, जिस पर नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी मौन है। चूंकि हमारे पास धोरैया अंचल कार्यालय में दलालों के राज से संबंधित वीडियो फुटेज उपलब्ध थे, मगर ऐसे कई दलाल हैं जिनकी सुबह से लेकर शाम तक अंचल कार्यालय में कटती है। जरूरत है ऐसे दलालों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए बांका से आशीष कुमार की रिपोर्ट।